ठीक है, नुकसान हो गया भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज अपने को कंधे उठा दिया है यार, करने वाला सबसे खतरनाक काम मैंने उठा लिया है यार। हम चल रहे हैं युद्ध पे, युद्ध। चलो, ये दरारें पड़ गई हैं भैया दीवार में, काई दिन भी गिरेगी। अभी एक कोने के जाले निकाल लिए हैं, ऐसे सारे कोने के निकाल रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम यही है, मैदान जंग फतह करनी है, सारे कोने चमका देने हैं। कोने कोने में अब दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ मैं, दिखाएगा आज सबको कोना कोना। अरे यार, गंदगी फैलाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर फटती बहुत है सफाई करने में। इतनी नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ हो रहा हो तभी आप कुछ करेंगे। ऐसे अगर कुछ ना काम हो, कुछ ना मन कर रहा हो करने का, तो घर की सफाई कर लो। साफ सुथरा घर मन साफ रखता है, मन साफ तो अच्छे ख्याल आएंगे, समझे। मोटिवेशन, झाड़ू लगाने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, झाड़ू उठाओ सफाई कर डालो, घर चकाचक, मम्मी खुश, साफ खुश, समझे भाई साहब। क्या काले बादल हैं, ऐसा लग रहा है ही फटेंगे। इधर साफ है, ये मेरे चांद के ऊपर काले काले बादल हो रहे। बादल देख लिए ना आपने, और ये हवा भी चलती, देखो बाल उठ रहे हैं। अभी तो मैं कोने में खड़ा हूँ तो थोड़े उड़ रहे हैं, लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है, तगड़ी बारिश आएगी। आज बारिश आई तो मैं फिर ना आएगा, मज़ा आता है नहाने में भाई। अगर आपको भी घर का काम बोरिंग लगता है, काम करने में वो क्या बोलते हैं उसे, वो आता है क्या आता है वो, आलस। अगर आपको भी आलस आता है तो उसका रामबाण इलाज एक ही है, फट से दूर। चलो करते हैं। किसी भी काम में अगर आपको आलस आता है तो सबसे पहले एक बाल्टी लें। ले लिया, फट से आलस गायब, मजा आ गया, ठंडा आलस हो गया है गायब। ऐसे फ्रेश सा फील हो रहा है, ऐसे पता नहीं क्यों उतना आलस हो रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल फिट मस्त एकदम, कोई आलस नहीं है। अब काम करने का मन भी कर रहा है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। जब से लॉकडाउन आया है तो अपने पे ज़्यादा कपड़े होते नहीं है, बस 10-12 टी शर्ट होती है और एक दो लोअर होते हैं। ऐसे फॉर्मल या जींस के पैंटों की तो बारी नहीं आती, अपन आदत पड़ गई है लोअर और टी शर्ट पहनने की, कच्चे में घूमते रहो बस, सारे कपड़े ऐसे कैसे। ऐसे जींस की पैंट पहन लो तो ऐसा लगता है काट रहे दौड़ने, भैया कम नहीं है कपड़े पहुँचते हैं, ऐसे चलते हैं धुलने जाते। ऐसे इतने कपड़े धुलने, ज़्यादा कपड़े नहीं धुलने। तो फाइनली आज का काम निपट गया, जो जो करना था सब हो गया, सफाई हो गई, कपड़े धुल गए, तो अपने को अभी नहा धुल लेना है बस थोड़ा सा। आप लोग आप सोच रहे होंगे यार क्या फालतू के काम कर रहा है यार, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, एक इंसान को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ज़िंदगी में, उसे सफाई करने आना चाहिए, अपने कपड़े धुलने आना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए उसे अपने आप के ऊपर, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि अपना काम वो स्वयं कर सके। मस्त सी चाय बना के पी लेते हैं, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, वैसे ही फ्रेश है। पानी में दिया था आलस आ रहा था तो, लेकिन वो कल ही पता चला कि आप घर पे भी पेट्रोल भरवा सकते हैं, पेट्रोल पंप आपके घर पे, वाओ, सब कुछ घर। इंसान को आलसी बनाने का सबसे बड़ा कारण ये, घर बैठे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, आप घर पे रहिए सब कुछ मिलेगा, घर में ही गाड़ी चलाइए, पेट्रोल खत्म घर में ही भरवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बॉस, सब कुछ घर पे मिलेगा बॉस। तो मैं अभी आप पहुंचाऊँ अपने बाप दादा के पार्क में। अरे बाप दादा नहीं, वो ऐसी यह है ग्रीन बेल्ट के लिए जगह छोड़ी जाती है ना, गौर पहले आता था ऐसे बैठ के चला जाता था, लेकिन कल से मैंने डिसाइड किया है मैं
एक्सरसाइज करूँगा, रनिंग करूँगा। तो अपन आज पहले रनिंग से स्टार्ट करेंगे। यूँ कल मेरे को वाइटी मिला था, वाइटी तो उसको एक डॉगी मिला था, बड़ा कूल एंड क्यूट था। तो मैं उसके लिए आज पार्ले जी लेके आया था अपने बजट के हिसाब से, 5 रुपये का पार्ले जी। अपने इन वाइटी आज छुट्टी पे कहीं और गया रंग लिया मनाने, लगता है सेटिंग के साथ बिजी है। तो अगर मिलता है तो ठीक है, वरना इसे जिसके नसीब में होगा उसे खिला दूंगा। तो अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ग्रीन बेल्ट में पेड़ लगे हुए हैं और ये मौसम क्या धांसू हो रखा है, बारिश वाला। कभी भी बारिश आ सकती है, आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, मौसम बढ़िया है। ऐसे खाली पीली मरने से अच्छा है कि एक्सरसाइज करें, दौड़ें, रनिंग करें। ऐसे बैंड बज गई मेरी तो, चर्बी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है लगता है लॉकडाउन में। तो अपन करेगा जब सबसे पहले चर्बी कम, देखते हैं कितने दिन टिक पाते हैं। लास्ट टाइम जिम शुरू किया था 1.5 महीने में, फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर छूट गया। अपन ऐसे ही चल रहा है। तो रनिंग करके बैंड बज गई है, लेकिन करेंगे ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट हुए होंगे। शकल की देखो क्या माँ बहन हो गई है, पसीने पसीने हो गए। बल्कि आज मौसम देखो कितना वो है, बादल आ रखे हैं और हवा चल रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी है। तो अभी मैंने 20 मिनट ही एक्सरसाइज किया, थोड़ा सा रनिंग, थोड़े से जंपिंग, फ्रॉग जंप, इतने में ही बैंड बजी। तो अपन धीरे धीरे स्टार्ट करेगा। कल मैंने सिर्फ रनिंग करी थी, आज मैंने थोड़ा बढ़ाया अपने आप को। तो ऐसे धीरे धीरे करेगा, ज़रूरी नहीं है कि 56 की छाती 16 का डोला ही हो, वही फिटनेस है। नहीं, मेन चीज़ है स्टेमिना। अगर आपका स्टेमिना सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अंदर का स्टेमिना बिल्ड करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप फिट हैं। अगर आप 5 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ रहे हैं तो समझो आप फिट है, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। वॉक नहीं करना, दौड़ना है। दौड़ने और वॉक करने में अंतर है। होया माइक का, माइक ही गिर गया कहीं पे, पता नहीं कहाँ गिर गया। ये देखो, उछल कूद करने में यार पता नहीं कहाँ गिर गया, नुकसान हो गया भाई। तो आज मेरे को वाइटी तो नहीं मिला, ब्राउटी मिल गया। वो वाइट था तो उसका नाम वाइटी, ये ब्राउन है तो इसका नाम ब्राउटी, और ये फीमेल है तो ब्राउटी एफ। और बेटा कैसे हो, कम इधर आ सकते हो। तो आज बिस्किट इसके नसीब में था, बिस्किट जेब में रख रखे बिस्किट की बैंड बज गई, ऐसे चूरा चूरा हो गया भाई। खा ले, चबाना तो ही है, क्या दिक्कत है, है ना भैया। चबा रहे हैं ये, कैसा लग रहा है? हेलो हेलो, कैसा लग रहा है? अभी खाने में बिजी है तो ये कुछ बोल नहीं रही, नो रिस्पॉन्स। अभी काटा भी नहीं इसने। आप देख रहे हैं कितना बड़ा पेड़ है, मस्त छाया देता है सबको, लेकिन एक ना एक दिन इसे काट दिया जाएगा। ऐसा है, कैसा है ए बेड़ा है? ब्राउनी कान दिखा रहे हो दांत दिखाने की जगह। बाय। अपना बिस्कुट वाला प्लान भी डन हो गया, तो अपना सारा प्लान डन। भैया रॉकेट कहाँ उड़ा रहा है यार, मेरा बोया माइक ख़राब हो गया तो ऐसे करेगा है? तो वाइटी की जगह ब्राउटी ने खा लिए हैं बिस्किट। अपन चलते हैं घर। ओके टट्टा, बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तोड़ डालो फोड़ डालो, लेकिन सब्सक्राइब कर डालो। थैंक यू सो मच गाइस। बूम।